जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, स्पेशली रेनी सीजन, बरसात के मौसम में और विंटर्स में देखा जाता है कि बच्चे आम तौर पे बीमार पड़ते हैं, उनको कोल्ड कफ होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बिकॉज वायरसेस भी इतने सारे उस टाइम होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, गंदगी होती है हर तरफ, मौसम एकदम चेंज हो जाता है, ठंड लग जाती है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है इसीलिए। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम ये स्पेशली जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड कफ है, ये सीजनल चेंज जो बीमारियां हम बोलते हैं, इनसे हम अपने बच्चे को बचा सकें। हे क्यूट मॉमी, दिस इज स्नेहा हेयर, आपकी सैसी एंड क्यूटी मॉम। बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, 5 साल तक मान के चलिए बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, और स्पेशली मतलब ये नॉर्मल कॉमन कोल्ड का, वायरल इन्फेक्शन का अटैक होना, फीवर होना, लूज मोशन, ये बच्चों में लगा रहता है। बट आप ऐसा 100% कुछ भी नहीं कर सकते कि बच्चे बीमार हो ही नहीं, बच्चे बीमार पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे अभी भी उनकी बॉडी एक्सप्लोर कर रही है एनवायरनमेंट को, अडैप्ट हो रही है, इसलिए बोलते हैं 5 साल तक बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। एनवायरनमेंट में इतने सारे बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं, जब वो बच्चों की बॉडी से मिलते हैं, बच्चे की बॉडीज में एंटीबॉडीज नहीं होती है, तो बच्चे इन्फेक्ट हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। बट वही फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो वायरस अटैक करेगा तो वो एंटीबॉडी बन चुकी होती है, तो बच्चे बीमार नहीं पड़ते। इसलिए फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं तो 1 बार 2 बार ऐसे करके फिर बीमार होते हैं। इसलिए 5 साल तक हम सारे पेरेंट्स और बच्चे के लिए थोड़ा टफ टाइम रहता है। बट हम कुछ मेजर्स एंड प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि ये बीमार होना बच्चे थोड़ा कम हो। जैसे क्या? पहला, बट क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप और मैं हमेशा बने रहे, और मैं कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, सीख के आऊँ, तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँ जो आपके भी काम आए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट कंटिन्यूस नोटिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बच्चे अपनी मम्मी का दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फीड पे हैं, वो बच्चे प्रोबेबली कंपेरेटिवली दूसरे बच्चों के थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं है बीमार बिल्कुल नहीं होते, होते हैं बट कम होते हैं। उनका इन्फेक्शन से, वायरस से जो टकराव होता है, जो उन पर इम्पैक्ट होता है, तो वो थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि मम्मी के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो बाकी फॉर्मूला फीड या पैकेट वाले दूध में नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं माँ का दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट बाकी मम्मीज ना घबराएं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे समय के साथ साथ उनकी बॉडी खुद अडेप्ट करती है और बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीड वाली जो बेबीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। दूसरा, आप अपने बच्चे को जब भी छूते हैं, उठाते हैं, गोद में लेते हैं, या जो भी आपके बच्चे को हैंडल कर रहा है, मेक श्योर कि सब हाथ धो करके अच्छे से डिटॉल से हाथ धो के बच्चे को छुएं, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होते हैं। अगर आपका बच्चा क्रॉल कर रहा है, चीज़ें छूने वाला है, मतलब टॉयज़ के साथ खेल रहा है, भागने दौड़ने वाला बच्चा, मेक श्योर आप अपने बच्चे के भी हाथ हमेशा साफ करते रहे, क्योंकि बच्चा मुंह में फिर हाथ लेता है, आँख में, कान में, नाक में डालता है, तो उसे इन्फेक्शन होने के डर होते हैं। आप अपना घर, अपना सराउंडिंग अच्छे से क्लीन रखिए, घर को प्रॉपरली हमेशा डस्टिंग कीजिए, धूल मिट्टी जो होती है, जर्म्स होते हैं, इससे भी बहुत इन्फेक्शन होता है। पोछा जो लगाते हैं उसमें हमेशा फिनाइल अच्छा वाला या डिटॉल डाल के लगाएं, कोई उससे हार्मफुल नहीं होता है। बच्चा क्रॉल कर रहा है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, कोई भी चीज़ अगेन एक्सट्रीम नहीं करते, आधा ढक्कन डिटॉल डाल करके आप लगा सकते हैं। घर साफ रखना बहुत ज़रूरी है आपका एनवायरनमेंट। अगर घर में कोई बीमार है या कोई आसपास में बीमार है, बच्चे को उससे दूर रखें, बहुत दूर रखें। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, बच्चे बीमार तुरंत पड़ जाएंगे, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसके जो प्रॉपर डॉक्टर ने जो लिस्ट बनाया वैक्सीनेशन का, वो आप समय समय पे टाइम टाइम पे दिलाते रहे, सो दैट बहुत डेडली और बहुत बड़े वायरसेस जो होते हैं, बहुत सीरियस वाले, उनसे आपका बच्चा बचा रहे। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो स्मोक करते हैं, इवन मामा स्मोक करती है, फादर स्मोक करते हैं, अगर ऐसा है तो आप अपने हैबिट को वहीं कट डाउन कीजिए, क्योंकि ये पाया गया है रिसर्च में कि वो बच्चे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन से इम्पैक्ट होते हैं जो स्मोक के एनवायरनमेंट में रहते हैं,
कंपैरेटिवली दूसरों बच्चों के। ये छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना होता है और इस तरह से हम अपने बच्चे को ये कॉमन कोल्ड कफ जो होते रहते हैं, जो बोलते तुरंत सर्दी खांसी लग जाती है, इससे हम बचा सकते हैं थोड़ा। सो आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या सजेशन हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर बेबीज एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड यट। बाय बाय, टेक केयर।